हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना पुराना सा स्टॉक एमएमटीसी। एमएमटीसी में अब ट्रेड कैसे करेंगे। आज एमएमटीसी ने 10% का अपर मूव दिया है। जब ये 24 पे था, 73-74 पे था, तभी मैं बाय करने के लिए रिकमेंड किया था। जैसे 70 क्रॉस किया था, ये सस्टेन किया था, मैं बोला था इसमें आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 48-49 का रखने के लिए बोला था। अभी उस दिन मिनिमम में भी 7 डेज हुआ, 7 डेज में ये कितना परसेंट अपर मूव दे दिया। 74 पे था, अभी आ गया 92 पे। तो अभी देखते हैं, जो बीत गया उसको छोड़िए, आगे देखते हैं अभी इसमें एंट्री आप कैसे बना सकते हैं। एंट्री बनाने के लिए अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर 89 के ऊपर सस्टेन करता है डेली कैंडल क्लोज, तो सस्टेन कर दिए। कल अगर इसके नीचे नहीं आता, 2-3 दिन इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, ये कंसोलिडेशन फेस आने के बाद अगर ये एरिया में कंसोलिडेट कर लेता है तो आप इसमें एंट्री बना लीजिए। एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस आप कितना रखें, स्टॉप लॉस ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स आएगा तो नीचे रिवर्स आता रहेगा। स्टॉप लॉस 85 पर रखिए और इसमें एंट्री बना लीजिए। जैसे कंसोलिडेट फेस करता है, आपका मिनिमम टारगेट 120 का टारगेट रखिए, अदर 110 का टारगेट रखिए, सेकेंड टारगेट 130 का रखिए और थर्ड टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आप इसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए लंबे समय तक, ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस आपका इतना ही 48 ही रखिए। अभी जैसे इसके ऊपर क्रैश करता है तो आपका स्टॉप लॉस 85 रख देंगे लॉन्ग टर्म वाले जितने हैं। बाकी इसमें आज इतना ही है। आज अच्छा खासा मूव दिया है, 10% का अपर मूव दिया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अगला वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। धन्यवाद।